समर के ये विषय है, बता रहा था मैं कि सेक्सुअल अट्रैक्शन घट रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वह यह है कि सेक्स से आदमी को जो एंजॉयमेंट मिलता था या मिलता है, तो अब क्या है कि बहुत सारे एंजॉयमेंट के दूसरे दूसरे भी तरीके हो गए हैं, जिससे आदमी को एंजॉयमेंट मिल रहे हैं, उस लेवल का नहीं मिल रहा लेकिन कुछ मिल जा रहा है, तो डोपामाइन प्रोटीन रिलीज हो रहा है दिमाग से, कुछ उसको सुख मिल जा रहा है, हाँ, तो अब उसको उतनी आवश्यकता नहीं महसूस होती है सेक्स की। तो यहाँ पे हिंदू लड़कियां देखा जाए तो एक गैर मर्दों के साथ संबंध भी बना की कोशिश कर रही है, तो ये भी एक मुसलमान हो, सब मुस्लिम के यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पता नहीं कितने सबसे संबंध वहाँ बना रहा है, वहाँ तो कोई रिश्ता ही डिफाइंड नहीं है मुस्लिम समाज में, उसी हिसाब से कह सकते हैं, हाँ, तो वहाँ तो किसी से कोई वो कर ले रहा है, तो ये हिंदू समाज के लिए विशेष नहीं है, ये सभी में हो रहा है, असल में आदमी सुख की तलाश में ढूंढ रहा, घूम रहा है हर व्यक्ति। मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, हिंदू समाज में जो एक कमजोरी बन रहा है आज के समय के, यौन शक्ति घट रही है, तो महिला जो नहीं, है हिंदू समाज में नहीं घट रही है, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हिंदू समाज में घट रहा है, सभी में घट रहा है, हिंदू में क्यों घट रहा है, फर्क तो पड़ रहा है ना, सभी में घट रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, हाँ ये जरूर है, प्रोपेगेंडा तो नहीं है, किंतु यहाँ पे मुस्लिम समाज में 4 बच्चे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि सेक्स जो है पावर बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बच्चे ज्यादा हो गया तो सेक्स पावर बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर उसका है ही नहीं, कंट्रासेप्शन का कोई मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ तो बच्चे होते रहना है, हिंदुओं में ऐसा नहीं है, हिंदुओं में कंट्रासेप्शन का कॉन्सेप्ट है, ये बच्चे गैप रखना चाहते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं चाहते हैं, क्योंकि आगे की जिम्मेवारी भी सोचते हैं कि ये जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ेगी, खिलाना पिलाना पड़ेगा, वहां तो जिम्मेवारी नाम की कोई चीज है नहीं, बच्चे पैदा करके छोड़ दो रोड पर, वो घूमे पढ़े लिखे, वो आतंकवादी बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो तो अल्लाह अल्लाह उसकी रखवाली करेगा, वहां तो वो कॉन्सेप्ट है, हिंदुओं में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं ओवरऑल लार्जर पिक्चर इस हिसाब से कह रहा हूँ कि हम जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो एक वेस्टर्न मॉडल के हिसाब से, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है अपने सुख पाने के लिए अलग अलग एक अपने जो एक तरीका ढूंढता है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि शादीशुदा महिला भी ये देखना पड़ेगा कि हम वेस्टर्न मॉडल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न वाले क्या कर रहे हैं, क्या वे अपने सिस्टम से खुश हैं? नहीं है, वे खुश नहीं है, वे तो भी कोई मॉडल खोज रहे हैं, वे भी कोई मॉडल खोज रहे हैं, वे भी कोई नया प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका प्रयोग क्या है, वे तो सनातन धर्म में खोज रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको कुछ फायदा होगा, तो वे लोग तो हिंदू बन रहे हैं बहुत सारे, उनके संदर्भ में ये कहूंगा कि उनके समाज में अमेरिका के संदर्भ में ये कहूंगा कि उनके जो एक व्हाइट पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो चुकी है, जहाँ पे सेक्स जो एक खुले तरीके से मिलेगा, तो शायद लड़की भी शायद नहीं चाहती होगी कि परिवार बने, बच्चा अट्रैक्शन कहाँ होता है, अट्रैक्शन होता है जहाँ छिपाया जाता है वहाँ अट्रैक्शन होता है, जहाँ पूरा उघाड़ दिया जाता है वहाँ अट्रैक्शन क्या होगा बताइए, तो नहीं, उन लोगों का सिस्टम है ना, उन लोगों का सिस्टम है, पूरा उघाड़ दिया गया, पूरा बदन को दिखला दिया गया है, तो अब उसमें आकर्षण उतना घट जाता है ना, आकर्षण घट जाएगा, जितना जितना आप दिखाएंगे उतना आकर्षण घट जाएगा, जितना छुपा के रखेंगे उतना आकर्षण बना रहेगा। आपने सही कहा, आपने सही कहा, इसी हिसाब से उनको बच्चे पैदा करने के लिए जो एक मोटिवेशन होता है वो कम हो रहा है, सिर्फ एक सेक्सुअल एक होने के लिए उनको एक मेथड जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, उसके नुकसान ये हो रहा है कि उनके व्हाइट पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो चुका है। हाँ, तो खत्म हो जाएंगे, जापान के पॉपुलेशन मत करे बच्चा पैदा, कैरियर बनाते रहे, काम खत्म हो जाएगा, जिनकी आबादी जापान के संदर्भ में ये कहूंगा कि जापान जो एक विकसित देश है उनके जो एक बुढ़ापे में जो एक पॉपुलेशन है बहुत बढ़ चुकी है, चाइना में भी यही हाल है और कोरिया में भी यह हाल है। तो चीन सुन के चीन तो संभल गया, छोड़ा, चीन ने तो कह दिया है कि अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो,
बच्चा पैदा करने पर जो है पैसे भी दे रहा है, हाँ 3-3 लाख रुपया दे रहा है। अब तो आज आज का समाचार था कि चीन ने वो कर दिया है, लॉ बना दिया है कि जिसकी शादी नहीं हुई वो भी बच्चा पैदा कर सकता है। ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा वो देखा जाएगा, किंतु एक शॉर्ट टर्म में नुकसान तो उनको हो चुका है, जो भी एक पॉलिसी बना था वो तो हो चुका है। मैं एक लास्ट में ये कहूंगा कि जापान कोरिया इत्यादि देश में आज इस्लाम बढ़ रहा है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, क्योंकि उनके जो एक वर्किंग पॉपुलेशन बनना चाहिए था वो दूसरे कंट्री से वो वर्कर को ला रहे, तो इस हिसाब से उनके नुकसान ये हो कि जो मुसलमान पॉपुलेशन जो एक छोटे मोटे काम करते हैं उनको उनके एक काम लेने के लिए उनको इमिग्रेशन वगैरह दे रहा है। यूरोप में भी यही हाल है कि मुसलमान पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रहा है। आबादी के हिसाब से हाँ, क्योंकि मुस्लिम का जो है ना प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है, वो पैदा कर रहे हैं और उसमें जा रहे हैं, लेकिन सब सारे जो है सब लो लेवल के जो ग्रेड के जो वर्क हैं उसमें जा रहे हैं, क्योंकि ये तो उच्च स्तर के काम करने के योग्य नहीं है, तो ये नीचे वाले काम कर रहे हैं और वहाँ का छोटा मोटा काम करने का वो कर रहे हैं, लेकिन फिर रोबोट वगैरह सब आ रहे हैं, धीरे धीरे रोबोट सब सब काम संभाल लेंगे और आदमी को मशीनों में पैदा किया जाएगा, फैक्ट्रियों में आदमी को पैदा किया जाएगा आने वाले समय में, हालत ये हो जाएगी। वो तो एक विषय हो गया कि तो इस्लाम स्प्रेड हो रहा है, जो एक यूरोपियन देश में जापान के देश में आज इस्लाम के एक जाहिर सी बात है ना, जिसकी जिसकी आबादी होगी वही तो स्प्रेड होगा, जिसकी आबादी नहीं होगी वो क्या स्प्रेड होगा, स्प्रेड तो वही होगा ना जिसकी आबादी होगी, तो उनकी आबादी है तो स्प्रेड हो रहे हैं, सही बात है, होंगे भी क्योंकि वे तो अपना कुछ तो अपने तो दूसरे जगह जाएंगे ही खाने पीने के लिए, तो रोजगार खोलने के लिए। तो लार्जर पिक्चर देखिए, इसके दुर्गति जो होगी, जो एक एक एलाइज जो एक बने हैं भारत के, तो दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर ज्यादा मुसलमान देश बन गए। हाँ तो बनेंगे, वो तो बढ़ेंगे हाँ, लेकिन ये देखेंगे कि जहाँ जाएंगे आतंकवाद फैलाएंगे ना। नहीं, हिंदू के संदर्भ में जो एक अलायंस बनती है ना पाकिस्तान की, जहाँ भी जाएंगे आतंकवाद फैलाएंगे, उपद्रव करेंगे, बवाल करेंगे और अंत में वहाँ फसाद होगा तो मारे जाएंगे, मरेंगे मारेंगे, ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक इनकी या तो ये फिलोसफी बदल लेंगे प्रेशर में आकर के, भुखमरी के प्रेशर में आके, क्योंकि भारत के जो मुसलमान है वही सोच अमेरिका के मुसलमान की नहीं है, आप जान लीजिए हाँ वही सोच वहां है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक प्रेशर जो है ना वो हावी हो जाता है और उसमें जो है उस वक्त क्या होता है कि इनका ये जो कुरान का जो प्रेशर है वो घट जाता है, वो जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से उसको हम लोग यहाँ भी लागू नहीं कर सकते क्योंकि वहां का लॉ इस तरह का नहीं है। हाँ, जब आबादी इनकी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये अपने हिसाब से लॉ कुछ बना पाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ ये बदलाव कर सके, लेकिन ये सदैव एक पॉकेट में बसते हैं, जिस पॉकेट में बसते हैं उस पॉकेट में तो जीना दुभर कर ही देंगे, जैसे बर्मिंगम अगर तरह इंग्लैंड में बर्मिंगम की तरफ जो है ये बसे हैं काफी, तो वहां पर जो है वहां पर तो वहां अंग्रेज लोगों का भी जीना मुश्किल कर रखा है। अब अंग्रेज लोग पछता रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ पर क्यों लाए, फ्रांस में भी यही हालत है, जर्मनी में भी यही हालत है हाँ, तो इनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। हमने काफी कुछ कवर किया है, शायद कुछ 5-6% बचे होंगे, शायद किसी और दिन किसी और सप्ताह हम कोशिश करेंगे।